बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में रहने वाले तमाम दोस्तों को कासिम कारबलाई का सलाम। दोस्तों, आयतुल्ला गुल पैगानी ने फरमाया, एक दिन मैं वादी हुई सलाम में अहले कबूर की ज़ियारत के लिए गया। चूँकि हवा बहुत गर्म थी, मैं उस छत के नीचे बैठ गया जो एक कब्र की दीवार पर बनाई गई थी। मैंने अमामा सर से उतारा और आबा को एक तरफ रखा ताकि कुछ देर के लिए आराम कर लूं और फिर वापस पलट जाऊं। उसी हाल में मैंने देखा कि एक मुर्दों की जमात, जिनके लिबास पारा पारा और फरजूदा और वज़े इंतहाई कसीफ थी, मेरी तरफ आ रहे हैं। उन्होंने मुझसे तलब शिफात की और कहा, हमारी हालत बहुत ख़राब है, खुदा से दुआ करें कि हमें माफ़ फरमाइए। तो मैंने उनको सख्ती से जवाब दिया और कहा, दुनिया में तुम्हें अच्छे कामों की कितनी तरगीब दी गई, लेकिन तुमने किसी की बात ना सुनी। अब तुम अपने गुज़श्ता कामों से तलब अफ़वो करते हो, दफ़ा हो जाओ आए सरकशो। आयतुल्ला गुल पैगानी फरमाते हैं कि ये अरब के वो अफराद थे जो दुनिया में मुतकबराना ज़िंदगी गुजारते थे और उनकी कब्रें उस कब्र के अतराफ में थी जिस पर मैं बैठा था। तो दोस्तों, ये है सरकश लोगों की अरवा के साथ कलाम का वाकया। अगर आप चाहते हैं कि इस्लाम के मुतालिक हर नई वीडियो पर वक्त मिले, तो मेरे इस चैनल कासिम कारबलाई को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को दबाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट्स देकर अपनी राय का इजहार करें। वस्सलाम।